विल गो अहेड विथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। लास्ट लेक्चर में इफ यू रिमेम्बर वी हैव सॉल्व्ड अप टू एग्जाम्पल 1.6। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 12 बेसिकली। तो समहाउ एंड एंड मतलब चींटी इज स्टक, समहाउ समहाउ अ चींटी एंड इज स्टक टू द रिम ऑफ अ बाइसिकल व्हील ऑफ डायामीटर 1 मीटर। तो आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिम ऑफ अ व्हील। तो आई होप यू नो व्हाट इज रिम ऑफ अ व्हील। याद है, पक्का याद है व्हाट इज रिम ऑफ अ व्हील? पेरिफेरी, सरकमफरेंस, बाउंड्री। तो अगर ये व्हील है तो इस व्हील का जो बाउंड्री है उसको बोलते हो रिम। इस रिम पे सम हाउ एंड एंट इज स्टक। आगे बोला है इसके डायमीटर आपको दिया है, तो डायमीटर ऑफ द व्हील इज हाउ मच? 1 मीटर। सो दिस डिस्टेंस इज अराउंड 1 मीटर। 1 मीटर का डिस्टेंस दिया है आपको, डायमीटर से रेडियस मिल जाएगा। आगे बोला है व्हाइल द बाइसिकल इज ऑन सेंट्रल स्टैंड, मेन स्टैंड पे लगाओगे तो व्हील कैन नाउ रोटेट। तो व्हाइल द बाइसिकल इज ऑन सेंट्रल स्टैंड द व्हील इज सेट इन टू रोटेशन एंड इट अटेन्स अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड इन हाउ मनी सेकेंड्स? 10 सेकेंड्स। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब काइनेमेटिक्स का इक्वेशन तुम यूज कर सकते हो। कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द एंड इन दिस 10 सेकेंड्स, टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड क्वेश्चन। तो गिवन पैरामीटर पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन टू यू? डायामीटर। हाउ मच? 1 मीटर। डायामीटर 1 मीटर मतलब रेडियस इज हाफ मीटर, 0.5। उसके बाद बोला है व्हाइल द बाइसिकल इज ऑन सेंट्रल स्टैंड द व्हील इज सेट इन टू रोटेशन, मतलब उससे पहले रेस्ट पे था, मतलब इनिशियल फ्रिक्वेंसी 0 है, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी 0 है, राइट? एंड इट अटेन्स अ फ्रिक्वेंसी ऑफ मतलब फाइनल फ्रिक्वेंसी कितना है? 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ओमेगा फाइनल मिल जाएगा, व्हाट इज ओमेगा फाइनल? 2 पाई एन फाइनल। तो 2 पाई इंटू 2 इज 4, तो यू हैव 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। कितने टाइम में हुआ ये? 10। तो 0 से 2 तक फ्रिक्वेंसी जाने के लिए लग गया 10 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड। कैलकुलेट फाइंड आउट नंबर 1 टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मतलब कैपिटल एन इन दिस 10 सेकेंड्स। नंबर 2 टाइम टेकन फॉर फर्स्ट कंप्लीट रोटेशन मतलब रिवोल्यूशन, तो टी फर्स्ट, एंड टाइम टेकन फॉर लास्ट रिवोल्यूशन दैट इज टी लास्ट। तो ये 3 पैरामीटर फाइंड करने हैं आपको। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड बेसिक्स क्लियर होंगे तो बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले लेट अस थिंक ऑफ सम फॉर्मूलाज दैट वी कैन यूज। हमारे पास ओमेगा फाइनल, ओमेगा इनिशियल और टी, ये 3 पैरामीटर है। यहां से मिल जाएगा अल्फा। आपको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। अगर आपको याद होगा मैंने आपको वन ऑफ द लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक राउंड में कितना एंगल? 2 पाई। तो 2 में कितना? 4 पाई। 3 में कितना? तो अगर मुझे थीटा मिल जाए, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा को मैं अगर 2 पाई से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। जैसे 4 पाई बाई 2 पाई तो 2 रिवोल्यूशन, 6 पाई बाई 2 पाई मतलब 3, 10 पाई बाई 2 पाई मतलब 5। तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, मतलब यू शुड रिमेम्बर दैट थीटा अपॉन 2 पाई इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो थीटा फाइंड करना पड़ेगा। थीटा फाइंड करना है तो एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT² का एंगुलर इक्विवेलेंट, मतलब थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 α T²। लेकिन अल्फा पता नहीं है हमको, इसके लिए फिर मैंने बोला था वी इक्वल टू यू प्लस ए टी का एंगुलर इक्विवेलेंट। याद होगा ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी।
यहाँ से अल्फा आ जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी। अल्फा मिलेगा वो यहाँ जाएगा, थीटा मिलेगा वो यहाँ जाएगा, एन मिल जाएगा, हो गया काम खत्म, राइट। पहला पैरामीटर मिल गया, अभी और दो बाकी है। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट रिवोल्यूशन, पहला राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा पूछा है। तो पहला राउंड कंप्लीट करने में, पहले राउंड में कितना एंगल हुआ, 2 पाई, मतलब थीटा पता है, इनिशियल वेलोसिटी तो पता ही है, 0 है, ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। सिर्फ करना क्या, यहाँ पे टी फर्स्ट लिख देना और यहाँ पे भी थीटा फॉर फर्स्ट लिख देना, तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2 पाई है, ये 0 है, अल्फा तो हम फाइंड करने ही वाले हो, तो वहां से मिल जाएगा टी फर्स्ट। लेकिन प्रॉब्लम है टी लास्ट का, तो टी लास्ट में फिलहाल लिखूंगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं लिखूंगा, द आइडिया यर इज हमको पता ही नहीं है टोटल रिवोल्यूशन हो कितने रहे। जब एक बार पता लग गया टोटल रिवोल्यूशन कितने हैं, फिर टी लास्ट भी लिखते आएगा आपको। तो मैं ओवरऑल समरी बताता हूँ क्वेश्चन का, इंटरेस्टिंग इजी, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। एंट चीटी स्टक कहाँ पे, बाइसिकल के व्हील के रिम पे। साइकिल को मेन स्टैंड पे लगाया, व्हील हो रहा है अभी रोटेट, अभी हो रहा है, पहले नहीं था, तो इनिशियल फ्रिक्वेंसी 0, ओमेगा इनिशियल 0, फाइनल फ्रिक्वेंसी 2, ओमेगा फाइनल 4 पाई, क्योंकि 2 पाई इंटू एन। 0 से 2 फ्रिक्वेंसी होने के लिए कितना टाइम लग गया, 10 सेकेंड्स। तो इस 10 सेकेंड में, मतलब 0 फ्रिक्वेंसी से 2 फ्रिक्वेंसी होने के लिए, या फिर 0 एंगुलर स्पीड से 4 पाई तक का एंगुलर स्पीड होने के लिए कितना टाइम लग गया, 10 सेकेंड। तो इस 10 सेकेंड में कितने चक्कर कंप्लीट हो गए, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 1। पहले चक्कर के लिए, फर्स्ट राउंड के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट के लिए कितना टाइम लगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो यू वॉन्ट टू फाइंड आउट एन, एन के लिए चाहिए थीटा, राइट। थीटा फाइंड करना पड़ेगा हमको, करेंगे फाइंड। देन थीटा कैसे फाइंड करोगे, ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। लेकिन इनिशियल ओमेगा तो 0 है, राइट, टी फाइंड करना है, लेकिन अल्फा भी पता नहीं, तो पहले अल्फा फाइंड करना पड़ेगा, तो यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा आल्सो, राइट। टाइम दिया है क्या आपको, टाइम 10 सेकेंड दिया है, चलो ठीक है, अल्फा मिल जाएगा आपको, गुड। तो अब वन बाय वन वी विल फाइंड दिस आउट। तो सबसे पहले यू विल हैव टू फाइंड आउट अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी। ओमेगा फाइनल है 4 पाई, इनिशियल है 0, टाइम है 10, तो अल्फा है 4 पाई बाय 10, मतलब पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर, ये मिल गया अल्फा। ये अल्फा जाएगा थीटा के इक्वेशन में, फिर मिल जाएगा थीटा। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल 0, हाफ अल्फा इज 2 पाई बाय 5, टाइम टेकन इज 10, तो 10 का स्क्वायर, कैंसिल एंड आंसर। तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 5, 10 स्क्वायर इज 1 जा एंड 20 जा, तो टोटल एंगल इन 10 सेकेंड इज 20 पाई। तो देयर फोर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज थीटा अपॉन 2 पाई, दैट इज 20 पाई अपॉन 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 10। तो 10 राउंड लग गए कितने सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में, मतलब 1 सेकेंड में कितना गलत है, गलत है, ये एक्सेलरेशन का केस है, कांस्टेंट वेलोसिटी का नहीं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता तो तुम बोल सकते थे कि 1 सेकेंड में 1 चक्कर, अगर वैसा ही था तो पूछते क्यों पहले राउंड में कितना टाइम लगा, तुम बोलते थे 1 सेकेंड, लास्ट के लिए कितना लगा, तुम बोलते थे 1 सेकेंड। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैंने पहले बोला कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्योंकि तो ये होता ही है, देखते ना 10 चक्कर 10 सेकेंड में, तो 1 चक्कर 1 सेकेंड में, वो कब सही होता है, व्हेन यू हैव अ वेरी गुड। तो एक्सेशन इन दैट केस इज 0, यहाँ पे 0 आया क्या एक्सेशन, नहीं, तो ठीक है, फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब थीटा फर्स्ट इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी फर्स्ट, ऑफकोर्स टी फर्स्ट प्लस 1/2 अल्फा टी फर्स्ट का स्क्वायर, यहाँ पे भी टी फर्स्ट लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे टी फर्स्ट, तो ठीक है। यू हैव पहला राउंड कितना एंगल, व्हाट इज ओमेगा इनिशियल 0, 1/2, व्हाट इज अल्फा 5, टी फर्स्ट फाइंड करना है, तो टी फर्स्ट का स्क्वायर, 2 पाई 2 पाई कैंसल, राइट।
तो 2π 2π हो गया कैंसल, तो यहाँ आ गया 1 इक्वल टू, ये कितना है 10, तो टी फर्स्ट स्क्वायर बाय 10, तो व्हाट इज टी फर्स्ट रूट ऑफ 10, रूट ऑफ 10 इज 3 पॉइंट समथिंग, 3.2 होता है शायद, है ना, 3.23, 3.23, तो टाइम टेकन फॉर फर्स्ट इज 3.23 सेकेंड्स। गुड, यहाँ तक क्लियर राइट? तो देखो पहला राउंड को ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है अब, तो पहले के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, इसके अगले के लिए कम, उसके अगले के लिए और भी कम, अगले के लिए और भी कम, और लास्ट के लिए सबसे कम। तो लास्ट कैसे फाइंड करोगे, अब उस पर आते हैं। टोटल राउंड पता लग गया ना तुमको, कितने टोटल राउंड है और टोटल टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। तो टोटल टाइम को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट प्लस टाइम टेकन फॉर सेकेंड प्लस टाइम टेकन फॉर थर्ड प्लस टाइम टेकन फॉर 9 प्लस टाइम टेकन फॉर 10, लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं ना, टोटल टाइम फॉर 10 रिवोल्यूशन इज टाइम फॉर फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स प्लस 9th एंड 10। यहाँ तक क्लियर पक्का? ये लास्ट वाला रिवोल्यूशन है ना, दिस इज लास्ट। तो ऐसा करो, ये आ गया टोटल आपके पास टाइम टेकन फॉर 9 रिवोल्यूशंस, टाइम टेकन फॉर 9 रिवोल्यूशंस, तो मैं इसको बोल दूंगा T9 डैश। तो टोटल टाइम इज टाइम टेकन फॉर टोटल 9 रिवोल्यूशंस प्लस टाइम टेकन फॉर लास्ट रिवोल्यूशन, दैट इज 10th रिवोल्यूशन। आपको क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन फॉर 10 मतलब टाइम टेकन फॉर लास्ट, तो क्या फाइंड करना है T10, इसको आप बोलोगे टी लास्ट, ये क्या आएगा T-T9 डैश, इसको बोल दूंगा मैं टी लास्ट। टोटल टाइम तो तुमको पता ही है कितना है 10, T9 डैश निकाल लो कैसे, सेम फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल T9 डैश प्लस 1/2 अल्फा T9 डैश का स्क्वायर। 9 चक्कर में कितना एंगल हुआ होगा, 18 पाई, वेरी गुड। ये कितना है 0 1/2 2π/5 और ये आ जाएगा T9 डैश स्क्वायर, सही है, वेरी गुड। देन 2π 2π कैंसल, वेरी गुड, 2π 2π हो गया कैंसल, मतलब 1 जा और 9 जा, तो ये आ जाएगा 9 into 10 ऑफकोर्स, तो T9 डैश स्क्वायर अपॉन कितना 10, बराबर ना, तो T9 डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 90, मतलब 9 into 10, मतलब T9 डैश इज एक्चुअली √10। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसको √10 लिखना ज्यादा बेटर था। तो देयर फॉर टाइम टेकन फॉर लास्ट राउंड लास्ट रिवोल्यूशन क्या था फॉर्मूला, T-T9 डैश, व्हाट इज टी, 10 सेकेंड माइनस 3√10, तो 3√10, 3 into √10 इज 3.23, 3.23 into 3 9.69, 9.69, तो ये आ जाएगा -9.69, तो कितना आना चाहिए 0.31 सेकेंड। तो बहुत कम आ रहा है, बहुत कम आना भी चाहिए। तो ऑप्शन है कि आपके पास नोट्स में लिखा होगा ना, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, 0.51, तो चेक कर लेते हैं, आइडियली इट शुड नॉट बी लाइक दैट, देख लेते हैं हमारा कहीं गलत हुआ क्या। टी फर्स्ट तो √10 बराबर है, वो √10 करेक्ट ही है, यह भी करेक्ट है। अच्छा √10 तुमने गलत एक चीज बताई मेरे को, 20 20 20 into 3 था क्या ये, into 3, 23, 3.23, 46, 69, 69, 31 बराबर आना चाहिए आंसर, फिर प्रिंटिंग मिस्टेक होगा बुक में, कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। 10 का रूट 3.16, या गलती हो गई, 3.16, तो ये 3.23 नहीं है, ये 3.16 है, तो अभी ठीक है, अभी करेक्ट हो जाएगा, तो इंटू थ्री करेंगे ना, 3√10, √10 मतलब
इंटू कितना करोगे, 3 करोगे, कितना आ गया 9.48। इसमें से 10 माइनस कर लो, हो गया बराबर है 0.5131, राउंड ऑफ करके 0.5132, तो ठीक है। पर अप्रोक्सीमेटली 0.52 सेकेंड्स। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5। रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर। इनिशियली इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क। एट वॉट मिनिमम फ्रिक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लीपिंग फ्रॉम देयर। बाय वॉट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। यूज जी एस पाई स्क्वेयर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो पहले पूरा क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज अ ग्रामोफोन? गुड। तो जिनको पता नहीं उनके लिए स्पेसिफिकली, अभी तो आप म्यूजिक सुनने के लिए मोबाइल फोन का यूज करते हो, उससे पहले वो छोटे से आईपॉड्स आते थे, उससे पहले वॉकमैन आते थे। वॉकमैन में यूज टू पुट फिजिकल कैसेट, शायद आपने देखा होगा कैसेट। एक कैसेट में मैक्सिमम 5 सॉन्ग 10 सॉन्ग उल्टा करके डालना पड़ता था, 5 इस साइड 5 उस साइड। देखा है क्या वो कैसेट? उसके अंदर टेप होता था, ब्लैक कलर का टेप। उससे पहले म्यूजिक के लिए वी यूज टू हैव डीवीडी, उससे पहले वी यूज टू हैव ग्रामोफोन। ग्रामोफोन बहुत बड़ा डिस्क होता है, उसके ऊपर एक फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है पॉइंटर, जब वो टच करता है तो इट प्रोड्यूसेस साउंड, दैट इज ग्रामोफोन। तो इन्होंने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड ग्रामोफोन डिस्क। तो यू ऑलरेडी हैव अ ग्रामोफोन डिस्क, तो लेट अस से ये एक ग्रामोफोन का डिस्क है, दिस इज अ ग्रामोफोन डिस्क। इट इज रोटेटिंग, लेट अस से इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। और याद रखना ओन एक्सिस मतलब अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ये जो ग्रामोफोन है इसका रेडियस आपको दिया है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ दिस इज 8 सेंटीमीटर। एक काम करता हूँ, मैं इसको कैपिटल आर बोलता हूँ, तो कैपिटल आर इज 8 सेंटीमीटर। आगे बोला है इसके ऊपर एक कॉइन रखा है, और कॉइन और डिस्क में फ्रिक्शन कितना है? 0.5। तो साथ में गिवन पैरामीटर भी लिख लेंगे। आई विल से म्यू एस इज 0.5। आई विल से कैपिटल आर दैट इज रेडियस ऑफ डिस्क इज 8 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 8 × 10⁻²⁻². और इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू कन्वर्ट इन एसआई यूनिट, इसलिए इसलिए हम ये मेथड फॉलो करते हैं गिवन टू फाइंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं हो, यहीं के यहीं कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट ऑल द पैरामीटर्स इनटू एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर। इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 5 सेंटीमीटर अवे। तो एक कॉइन है, आई विल टेक सम कॉइन, आई विल शो सम कॉइन हियर। यू हैव अ कॉइन एंड दैट कॉइन बेसिकली एक कॉइन है विच इज प्लेस्ड ऑन दिस डिस्क, और कितना दूर है ये? 5 सेंटीमीटर। तो वॉट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ दिस कॉइन? देखो ग्रामोफोन डिस्क रोटेट होगा तो ये क्या करेगा फिर? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, एग्जैक्टली। तो व्हेन द ग्रामोफोन डिस्क रोटेट्स दिस कॉइन परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। और कॉइन का जो डिस्टेंस है कहाँ से? सेंटर ऑफ द डिस्क से, मतलब ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? वेरी गुड, पाई। तो फिर मुझे बताओ व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ कॉइन? पाई। इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर इज
पाई सेंटीमीटर, दैट इज पाई इंटू 10^-2 मीटर। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? सिचुएशन समझ में आया? तो आगे जाके मतलब है, ग्रामोफोन का डिस्क है, वो रोटेट हो रहा है, उसका रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक कॉइन है, कॉइन और डिस्क के सरफेस में फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है 0.58, कॉइन का डिस्टेंस है सेंटर से पाए, मतलब रेडियस हो गया पाए सेंटीमीटर, किसका? कॉइन का। आगे, एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर? स्लिप कौन होगा, डिस्क की कॉइन? तो ऐसा है कि ये जो डिस्क रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है विद सम फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और बढ़ा दी और बढ़ा दी, फाइनली एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दिस कॉइन विल स्टार्ट स्लिपिंग, स्लिप होगा, ये बाहर की तरफ स्लिप होगा, तो कितने फ्रीक्वेंसी पे स्लिप होगा, दैट इज द क्वेश्चन। फिर बोला है बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम? कॉइन पाए सेंटीमीटर की जगह पे अगर तुमने ऑलमोस्ट एट द रिम मतलब बाउंड्री पे रख दिया, तो उस केस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा? तो आपको फाइंड करना है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर वन मिनिमम फ्रीक्वेंसी इफ आर इज इक्वल टू पाए सेंटीमीटर, नंबर टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी इफ आर इज इक्वल टू कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? तो अभी क्वेश्चन समझ में आया आपको, तो फिर मुझे आप फॉर्मूला बताओगे, या मेरे को ये बताओगे कि कॉइन कब तक स्लिप नहीं होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम नहीं होता, कौन ओवरकम करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन को? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आउटवर्ड। तो आपके घर में वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होता है, सेम कॉन्सेप्ट है, जब वो ड्रायर घूमता है तो कपड़े कहाँ जाते हैं? बाहर की तरफ। तो जब ये घूमेगा तो कॉइन कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ। कब जाएगा? जब वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा। जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन ओवरकम नहीं होता तब तक कॉइन विल नॉट मूव। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, आपको बताना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन है तब तक द कॉइन विल नॉट स्लिप। सो फॉर कॉइन टू स्लिप, ये कंडीशन है, फॉर कॉइन टू स्लिप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इज देयर एनीवन जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया अभी तक? सबको समझ में आया क्वेश्चन? पक्का पक्का? तो ठीक है, फिर अभी हम लोग आगे जाएंगे तो यहां से बन जाएगा फॉर्मूला, एंड इट इज वेरी सिंपल। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? mv² / r सही है, लेकिन लेकिन फाइंड क्या करना है उस पर भी ध्यान दो ना। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी v में से आएगा कि ओमेगा में से आएगा? हाँ, तो फिर mr² ओके। व्हाट इज fs? μs × n। एम आर ओमेगा इज 2πn² ग्रेटर देन इक्वल टू μs mg। mm हो गया कैंसल, ये आपको मिल जाएगा यहां से 4π² rn² μs g, राइट? बराबर शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो, n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू μs g बाय 4π² r। तो रूट लोगे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π, 4√2π² π अंडर रूट ऑफ μs g / r। बन गया फॉर्मूला, तो दिस इज व्हाट यू हैव। और एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? μs कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, तो n मिनिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r। ये भी यूज करेंगे बाद में, कब करेंगे बताता हूँ वो, लेकिन पहला काम है टू फाइंड आउट n मिनिमम विच इज 1/2π अंडर रूट ऑफ μs g / r, 1/2π अंडर रूट ऑफ 0.5 पाई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू 8 नहीं
पहले आर कितना था, पाई इंटू 10^-2, तो पहले वो करो राइट, और जी के वैल्यू पाई स्क्वायर बोलिए ना, यस, तो ये कितना आएगा, 10^-2, गुड। देन पाई पाई कैंसिल, ठीक है, पाई पाई कैंसिल करना तो पाई पाई कैंसिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनीवेज एक पाई कैंसिल कर भी दोगे बेटर था, पाई स्क्वायर को बाहर निकालो, चलो ठीक है एक पाई रहने ही वाला है, डजंट मैटर। तो 0.5 पाई इंटू इंटू ये आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा ये 100, है ना, एक पाई गया 10^-2 ऊपर गया, 10^+2 मतलब 100, 100 का रूट होता है 10, 0.5 पाई, व्हाट इज पाई वैल्यू, व्हाट इज 3.14 × 0.5, व्हाट इज 3.14 × 1, 1 is 3.14, उसको आधा करो ना, 0.5 मतलब हाफ, तो 3.14 का हाफ कितना होता है, 1.57, 1.57, ये 100 का रूट 10, ये रूट ऑफ 1.57, व्हाट इज रफली रफली रूट ऑफ 1.57, नहीं बताओ, यू डोंट नो, चलो इफ यू डोंट नो कैलकुलेटर विल टेल अस, वैसे तो रफ पता होना चाहिए, 1.57 का रूट कितना है, 1.25, 1.25, तो 10/2 पाई 1.25, 12.5/2 पाई, बताओ, 6.28, 12.5/6.28 क्यों लिखना है तुमको, 6.25 लिख दो, क्या होगा उससे, व्हाट इज 12.5/6.25, व्हाट इज 6.25 का डबल, तो आंसर कितना है 2, तो रफली रफली आंसर कितना है 2, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच, हाउ मच, 2 revolutions per second, क्या दिया आंसर, 2.5 दिया है ना, तो 2.5 गलत आंसर है, 2.5 नहीं आता है, तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा यही, दिस इज व्हाट यू हैव सॉल्व, 2 गलत है, वो इसमें सारे आंसर गलत दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, टेक्स्ट बुक में, एंड हेंस ऑल्सो इन द नोट्स यू हैव रॉन्ग आंसर्स, ये करेक्ट है, सही है, नो प्रॉब्लम विद दैट। आगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, हाउ द आंसर विल चेंज इफ द कॉइन इज केप्ट एट द रिम, तो डू यू सी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर, तो n′ / n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r/r′, तो n′ = √r/r′(n), राइट, नया r मतलब r डैश कितना है, नया r 8, और पहले कितना था पाई, तो पाई बाय 8, और n कितना था 2, तो दिस इज हाउ योर आंसर विल चेंज, हो गया, तो न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी अंडर रूट ऑफ पाई बाय 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, तो यही आंसर आएगा, उधर भी गलत है, 1/2 लिखा है ना, नहीं आ सकता ना 1/2, कैसे 1/2 आएगा, आएगा क्या 1/2, नहीं, तो आंसर विल चेंज बाय फैक्टर ऑफ रूट ऑफ पाई बाय 8, रूट ऑफ पाई बाय 8, तो बहुत सारे करेक्शन है आपके टेक्स्ट बुक में, इसके लिए मैंने एज इट इज वहां लिखा है, तो चेंज कर लो, तो वॉट वी हैव सॉल्व इज करेक्ट, तो इजी था जी, कब तक कॉइन स्लिप नहीं होगा, जब तक सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, जैसे ही सेंट्रिफ्यूगल फोर्स ये इक्वल टू या ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया तो कॉइन विल स्लिप, तो वहां से आपको क्या मिल गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करता है, 1/√r, r चेंज होगा तो फिर क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, n, तो नया फ्रीक्वेंसी कितना होगा, रूट ऑफ पाई बाय 8 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, पहले कॉइन कहाँ था 5 सेंटीमीटर पे, फिर कहाँ रख दिया रिम पे,
रिम मतलब रेडियस ऑफ डिस्क, व्हाट इज रेडियस ऑफ डिस्क? 8. तो द आंसर विल चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ पाई बाय रूट ऑफ पाई बाय 8. तो एन टू जिसको मैंने एन डैश बोला है, दैट एन टू मतलब एन डैश विल बी अंडर रूट ऑफ पाई बाय 8 टाइम्स ऑफ एन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू इंक्रीज योर राइडिंग स्पीड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शुड नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन. पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बीइंग अ स्ट्रेट लाइन? भाई पैरेलल टू टाइम एक्सिस. नहीं याद, आपको याद होना चाहिए. यू शुड रिमेम्बर, आई एम टेलिंग यू कि यू शुड हैव दिस, यू शुड नॉट हैव, यू मस्ट नॉट हैव दिस. यस, मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन करो, लिखने का स्पीड बढ़ाओ. तो चलो ठीक है. एनीवेज, पार्ट ऑफ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइंड फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर. वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल्स टू ड्राइव फास्टर देन 216 किलोमीटर पर आवर, दैट इज किलोमीटर पर आवर के एम पी एच. विथ वॉट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा है आपसे. बाय वॉट हाइट विल इट्स आउटर एज बी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इनर एज इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड. तो ठीक है, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको. एक रेसिंग ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक में आपको पता है बीच बीच में टर्न आते रहता है, तो जहां पर भी टर्न आएगा तो क्या करोगे? बैंकिंग. बैंकिंग में क्या करते हो? आउटर एज को रेस करते हो विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज. वेरी गुड. फिर आपको बोला है कि एंगल ऑफ बैंकिंग बताओ, फिर आपको बोला है कि हाइट बताओ. हाइट, आउटर एज कितना तुमने ऊपर उठाया ये बताओ. हाउ मच इज द हाइट ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज? तो आपको फाइंड क्या करना समझ में आ गया? थीटा और एज. और पता है क्या बोला है आखिरी में? बोला है इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड. व्हाट डू मीन बाय 10 मीटर वाइड? मतलब ये, मतलब रोड, रोड हमारे इसमें, आई डोंट नो इफ यू नो, आगे घर में चल रहा होगा, अगर घर चेंज करना है, नया प्लॉट लेना है, नया घर लेना है, फिर वो जो एजेंट होता है वो समझाता है आपको, देखो ये 10 मीटर का रोड है, ये 5 मीटर का रोड है, वहां 12 मीटर का रोड है. तो विड्थ मतलब रोड का साइज. तो ये रोड का साइज है कितना है? ये 10 मीटर, और ये भी 10 मीटर ही है, इट इज नॉट डिफरेंट, ये 10 मीटर ही है, दिस इज ऑल्सो 10 मीटर. सो विड्थ को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं एस से. तो व्हाट इज विड्थ ऑफ रोड? 10 मीटर. एस इक्वल टू 10 मीटर, राइट. तो गिवन में क्या क्या है पहले वो आइडेंटिफाई कर लो. देखो क्या क्या दिया है आपको. रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहां टर्न आएगा वहां पे बैंकिंग करोगे, और टर्न आएगा मतलब कर्वेचर होगा ना, कर्वेचर होगा. तो कर्वेचर का क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितना बोला है? 72 मीटर. और वी आर नॉट रिकमेंडिंग, मतलब वो बोल रहे हैं कि ये देखो आपकी सेफ्टी के लिए ये स्पीड ठीक है. तो व्हाट इज स्पीड? 216 किलोमीटर पर आवर. वेरी गुड, स्पीड भी बता दिया उन्होंने. फिर क्या पूछा है आपसे? पूछा क्या है? पूछा क्या है? एंगल. और विड्थ कितना दिया हुआ है? 10 मीटर. आपसे पूछा है एंगल ऑफ बैंकिंग, और आपसे पूछा है एच. तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी. वेरी गुड, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, मतलब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी. नंबर वन. नंबर टू, एच पूछा है. एच ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पता होगा तो समझ में आ जाएगा. एच एंगल को क्या है? अपोजिट. तो फिर साइन क्या? कॉस. साइन, तो बोले साइन थीटा.
एच अपॉन एस, तो एच क्या आएगा, एस साइन थीटा, उसमें से एस तो पता ही है तुमको, थीटा तो तुम फाइंड करोगे अब, करेक्ट। सिर्फ इतना याद रखना ये 216 किलोमीटर पर आवर है, ये ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे जाओगे, 5/18। 18 का टेबल पता है आपको, 18 10 180, 18 2 36, 180 और 36 होता है 216, मतलब 1 एंड 12 5 होता है 60, तो 60 मीटर पर सेकेंड। गुड, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हर जगह पे कैलकुलेटर नहीं यूज होगा, तो यू शुड नो दिस। हो गया फॉर्मूला रेडी, तो सॉल्यूशन भी रेडी। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर, 60 × 60, आई नो 3600 बट मुझे लिखना नहीं है वो। आर कितना है 72, जी की वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है 10, 10 बोला है ना पक्का, देखो लिखा होगा, नहीं बोला तो हम यूज कर लेंगे हम, कैंसिल कैंसिल, 1 जा एंड 12 जा, बराबर ना, 6 12 जा होते ना 72, हाँ 1 जा एंड, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 5, देखो आंसर वही दिया है 10 इनवर्स ऑफ 5। हाँ, और ये होता है 78.69 डिग्रीज, दिस इज 78 की 68, 78.69 डिग्रीज। तो ये मिल गया आपको एंगल ऑफ बैंकिंग, बहुत ज्यादा बैंकिंग है, 78 डिग्री का बैंकिंग है। 78 डिग्री का बैंकिंग मतलब पता है, ऑलमोस्ट लाइक दिस, बहुत ऊपर उठाया है मतलब यहाँ पे। और 216 किलोमीटर पर आवर इज नॉट अ स्मॉल स्पीड, हमारे सिटी लिमिट्स के अंदर 40, हाईवे पे 100 होता है, एक्सप्रेसवे पे 120 130 होता है, दिस इज 216, बहुत ज्यादा स्पीड है, तो इसके लिए बैंकिंग का एंगल भी ज्यादा होना चाहिए था, करेक्ट आंसर है। देन क्या पूछा है इसके बाद, तो हो गया एच इक्वल टू एस साइन थीटा, एस इज 10, साइन ऑफ 78.69, रफली रफली स्पीकिंग, रफली रफली आंसर 10 आएगा, क्यों, क्योंकि साइन 90 होता है 1, आपका एंगल 90 के बहुत पास में है, मतलब ये साइन की वैल्यू 1 के बहुत पास में है। तो देखो अब साइन ऑफ 78.69, 78.69 का साइन, साइन 0.980 × 10 कर लोगे 9.8, तो आंसर आना चाहिए आपका 9.8, तो 9.8 मीटर, 9.8 मीटर, 9.8 मीटर, व्हाट इज 1 मीटर इन फीट, अप्रोक्सीमेटली 3.1416 जो भी आता है, तो 10 मीटर मतलब कितना फीट, 31.6। तुम जहां बैठे हो उसका ग्राउंड से हाइट है 30 फीट, कितना बैंकिंग है, मतलब आउटर एज इज 30 फीट अबोव द इनर। तो ये हाइपोथेटिकल केस है बेसिकली, प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। सो करेक्शन, दिस इज टैन थीटा, सॉरी नॉट टैन स्क्वायर थीटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रोड इन क्वेश्चन नंबर 14, मतलब वहां पे उसी क्वेश्चन का डेटा यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन 15 ने बोला है द रोड इन क्वेश्चन 14 अबव इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट, तो जैसा रिक्वायरमेंट था वैसा कंस्ट्रक्ट कर दिया तुमने, आर 72 मीटर, एच 9.8, एंगल ऑफ बैंकिंग 78.69 डिग्री, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ व्हीकल ऑन दिस रोड इज 0.8, मतलब म्यू एस इज ऑल्सो वेरी हाई, विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट, बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। तो आपसे पूछा है लोअर लिमिट है क्या, पहले बताओ, अगर है तो अपर लिमिट इससे कितना ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो गिवन डेटा में आपके पास क्या क्या है, गिवन डेटा में आपके पास सबसे पहले है थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स ऑफ 5, 78.69 डिग्री, आपके पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर 72 मीटर, आपके पास है म्यू एस 0.8, एंड जी तो ठीक है वो तो है, और एच, एच तो लगने नहीं वाला, एस इक्वल टू 10 मीटर, एच भी ठीक है 9.8,
मीटर ऑफ कोर्स। आपको पूछा है लिमिट्स बताओ, लिमिट्स लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो आपको फाइंड करना है नंबर वन स्पीड लिमिट मतलब वी मिनिमम। यस वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ आर जी, नहीं अंडर रूट ऑफ आर जी, ये ठीक था, टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन वन प्लस म्यू एस टेन थीटा, एंड देन ऑफ कोर्स दे आर आस्किंग यू अबाउट अपर लिमिट एज वेल, तो आपको अपर लिमिट भी पूछा है। वी मैक्स सिर्फ कुछ ने एक साइन नीचे का प्लस ऊपर और ऊपर का माइनस नीचे, डन डन हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वी मिनिमम पहले फाइंड कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ आर जी 72 × 10 10^5 माइनस 0.8 अपॉन 1 + 5 × 0.8 720, दिस इज 4.2, 8 × 5 = 40, 4 × 1 = 5, 0.8 × 5 इज 4, 4 + 1 इज 5, वेरी गुड, क्यों वेरी गुड बताओ 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 बताओ, व्हाट इज 36 × 5 का 180, हाँ चलो ठीक है, 72 720/5 144, पक्का पक्का श्योर श्योर 144 का रूट 12 4.2 रफली रफली अप्रोक्सीमेटली 2, तो 2 × 12 रफली रफली 24, तो मिनिमम 24 के आसपास होना चाहिए, क्या है आंसर में 80, हाँ तो 88 किलोमीटर ना हमारा, ये कितना कौन सा आंसर आया हमारे, ये रूट टू रूट ऑफ 4.2 कर देते हैं, कर लेते हैं 4.2 का रूट कितना आया 2.04, मल्टीप्लाई क्या था 12, मल्टीप्लाई क्या था 12, तो 24.59, लेकिन हमारा आंसर किसमें है मीटर पर सेकेंड, कितना है आंसर 24.59 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, हाँ 18 by 5, तो 24.59 मल्टीप्लाइड बाय 18/5 किलोमीटर पर सेकेंड, कैसे किलोमीटर पर आर, तो 18/5 यू नो व्हाट इज 18/5 3.6, 18/5 इज 36/10, तो 3.6, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 3.6, 88.53 आंसर कितना दिया है, ठीक है 88.53 किलोमीटर पर आर, सही है हमारा ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि हमने कैलकुलेटर यूज किया है, तो डेफिनेटली इज मच मोर एक्यूरेट। अपर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं करता, क्योंकि जब ये आप ये जब लिखते हो ना तभी आपके दिमाग में अपर लिमिट का भी आना चाहिए, समथिंग दैट यू नीड टू डू इज यू हैव टू थिंक अबाउट दिस ऑल्सो, सिर्फ यहाँ पे क्या है पता है प्लस बराबर नीचे हो गया 1 − 4 − 3 स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इमेजिनरी होता है, वो इमेजिनरी होता है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी, सो सिंस यू हैव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, सिंस वी हैव square root of negative number, therefore upper limit does not exist, और वैसे भी
ये तो तभी क्लियर था जब एंगल 78.69 आया, क्योंकि जब भी एंगल ऑफ बैंकिंग 45 डिग्री से ऊपर हो तो अपर लिमिट होता ही नहीं है, तो यू कैन गो एट वेरी हाई स्पीड्स, राइट राइट। तो 45 डिग्री के ऊपर वैसे भी यू डोंट हैव, क्यों, व्हाट इज टेन ऑफ 45? हो गई ना बात क्लियर सर? टेन ऑफ 45 इज 1, तो इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 10। म्यू की वैल्यू 1 से छोटी होती है, एग्री, 1 से कम ही होती है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू इज 1। टेन ऑफ 45 अगर 1 है, टेन ऑफ एंगल ग्रेटर देन 45 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज ग्रेटर देन 1, 1 माइनस ग्रेटर देन 1 इज नेगेटिव। थोड़ा मैथमेटिकली सोचो, सोचना पड़ेगा, फिजिक्स के लिए मैथ्स लगने ही वाला है तुमको। टेन 45 इज 1, 45 के तुम ऊपर गए तो टेन की वैल्यू 1 के ऊपर गई, 1 के ऊपर गई तो 1 माइनस अ नंबर ग्रेटर देन 1 तो क्या आ गया, नेगेटिव। मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग 45 के ऊपर आया तो रूट के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव। रूट के अंदर नेगेटिव आया तो नंबर इज इमेजिनरी, इमेजिनरी है तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्सटीन। ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट कंसिडर्ड टू बी अ पार्टिकल इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल्स इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05। हॉरिजॉन्टल सर्कल और वेल, वेल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ एक ही बात है। तो वेल ऑफ डेथ में व्हाट इज द मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू एस। तो रेडियस दे दिया आपको, इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.5, हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन। मास ऑफ द आर्टिस्ट इज 50 किलोग्राम, इफ शी ऑब्लिक ही इंक्रीजेस स्पीड बाय 20%, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी। तो अभी फॉर्मूला तो डिराइव होगा नहीं, क्योंकि हमने दो तीन बार ऑलरेडी किया है, सिर्फ याद होने के लिए आपको। यू शुड नो यू हैव वॉल ऑफ डेथ और वेल ऑफ डेथ, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, तो यू ऑलरेडी नो यू हैव अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। इसमें यू हैव अ स्टंट आर्टिस्ट दैट इज परफॉर्मिंग विच मोशन, कौन सा सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और अगर आपको याद होगा तो इन दिस केस फोर्सेस, याद है कौन सा फोर्स किधर था, एमजी कहाँ था, एमजी, एमजी वर्टिकली डाउनवर्ड्स था, फ्रिक्शन कहाँ था, अपवर्ड्स था। सेंट्रिपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया था, नॉर्मल रिएक्शन ने। अभी मैं डिराइव नहीं करूंगा इक्वेशंस, इट इज जस्ट फॉर यू टू रिकॉल क्विकली द कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। आपके पास गिवन डेटा क्या क्या है, एक तो रेडियस दिया हुआ है 6.05 मीटर, राइट, और आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताया है कितना, 0.5, दैट्स इट। आपको फाइंड करने के लिए बोला है व्हाट इज मिनिमम स्पीड, वी मिनिमम। नंबर टू, नंबर टू दे आर आस्किंग यू इफ ही और शी इंक्रीज द स्पीड बाय 20%, मतलब 20% से बढ़ा दिया, वी मिनिमम प्लस 20% ऑफ वी मिनिमम, तो उस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने किसको बैलेंस करके रखा है। हाँ, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, एम जी पे। तो बी इसका 200% बढ़ा दो, डजंट मैटर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी सेम बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, देयर इज नो चेंज, ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली नो चेंज। तो अब फाइंड करना है, साथ में हम लोगों को पहले फॉर्मूला भी चाहिए, तो फॉर्मूला भी लिख लेंगे। अभी एज यू जस्ट टोल्ड मी आप सबको याद ही है, वेरी गुड, तो मुझे वापस एक बार बता दो, मैं भूल गया, व्हाट इज वी मिनिमम, अंडर रूट ऑफ म्यू एस अपॉन आर जी, आर जी बाय म्यू एस, याद है मतलब, गुड। व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एम जी, हाँ एम जी की म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन, डायग्राम देख के बताओ, एम जी, एम जी। तो सिंपल सिंपल वी मिनिमम,
अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन 6.05 इंटू 10। 10 लेने के लिए बोला है क्या? नहीं, चलो देखते हैं। दिस इज 0.5। 0.5 एक काम करो, ये 10 इसको दे दो, 60.5। फिर इन दोनों का पॉइंट हटा दो, 605/5। व्हाट इज 605/5? 121। वेरी गुड, 121 का रूट मतलब 9, तो मिनिमम इज 11 मीटर पर सेकेंड। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जस्ट एम जी। एम कितना था? 50 किलोग्राम बोला है ना? आई डोंट सी। 50 किलोग्राम इंटू 10, 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। डन।